अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आज की वीडियो का टॉपिक जो है CS301 का GDB नंबर 1 जो है ये आ गया था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है इसका सलूशन शेयर कर दूं। और ये जो है 14 मई 2024 से 12 बजे से लेकर वेडनेसडे 15 मई 2024 11:59 PM तक ओपन रहेगा, तो ये आपने वहाँ पर इस टाइम में सबमिट करना होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसका टॉपिक है, टॉपिक देख लेते हैं क्या है हमारे पास। GDB टॉपिक, XYZ कॉलेज इज़ अ प्राइवेट कॉलेज दैट मैनेज अ लाइब्रेरी सिस्टम फॉर द इंटायर कॉलेज स्टूडेंट्स, ठीक है। एक कॉलेज है यानी कि प्राइवेट कॉलेज है जिसका हमने लाइब्रेरी सिस्टम को क्या करना है, मैनेज करना है, पूरी यानी कॉलेज के स्टूडेंट्स का लाइब्रेरी सिस्टम को मैनेज करना है, ठीक है। करंटली दे हैव बीन मैनेज द लाइब्रेरी सिस्टम मैनुअली, अभी जो है मैनुअली यानी कि जो है वो यानी कि एक बंदा जो है उसको सेट करता है यानी देखता है, यानी कि ऑटोमेटिक वाला नहीं है, यानी कि मैनुअली है, ठीक है। दिस मैनुअल सिस्टम इज़ नॉट वेरी एफिशिएंट एंड आल्सो एरर प्रोन, ये जो मैनुअल सिस्टम है ना ये जो है ना बहुत एफिशिएंट नहीं है और इसमें यानी एरर यानी कि मसले मसाइल यानी कि आ सकते हैं, ठीक है। टू ओवरकम द इशू, इस इशू से निकलने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए, द ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड टू यूज़ अनदर सुटेबल डाटा स्ट्रक्चर सो दैट देयर सिस्टम वर्क मोर एफिशिएंट एंड एरर फ्री, कि उन्होंने देखा है इस मसले को हल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन जो है डिसाइड कहती है कि इस्तेमाल करें सुटेबल डाटा स्ट्रक्चर, किसी डाटा स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करें, ठीक है, ताकि उनका जो है सिस्टम है वर्क मोर एफिशिएंट और एरर फ्री हो जाए, ठीक है, कोई यानी मसला मसाइल नहीं आएगा उसमें। फिर यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है कि कुछ ये हमारे पास रिक्वायरमेंट हैं जो कि लाइब्रेरी सिस्टम में होती हैं। फर्स्ट के ऑल दी बुक्स शुड बी एडेड इन टू द सिस्टम एट वंस वन बाई वन, ठीक है, यानी कि सारी जो है ना बुक्स को क्या करो एक एक करके उनको उनके अंदर ऐड करो सिस्टम में। अगला क्या है कि मैक्सिमम बुक्स शुड नॉट बी मोर देन 10,000, 10,000 से ज़्यादा जो है बुक्स नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि देयर इज़ वेरी लेस चांस टू डिलीट अ बुक फ्राम द सिस्टम, ठीक है, कम से कम चांस हो के बुक जो है डिलीट ना हो सके, यानी कि उसके अंदर ही पड़ी रहे। फाइंडिंग अ पर्टिकुलर बुक शुड बी एफिशिएंट एंड द सर्च फंक्शन इज़ वेरी फ्रीक्वेंटली परफॉर्म इन द सिस्टम, कोई बुक हमने निकालनी है सर्च करना है उसको, तो जैसे सर्च करें वो हमारे पास आ जाए कि ये बुक पढ़िए यहाँ पे। सपोज़ यू आर अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, एंड द कॉलेज मैनेजमेंट अप्रोचेज यू टू प्रोवाइड मोर इफेक्टिव सोल्यूशन फॉर देयर लाइब्रेरी सिस्टम, अब यहाँ पे क्या है, एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर व्हाट वुड बी योर चॉइस ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, अब यहाँ पे आपने डाटा स्ट्रक्चर आपने कोई एक चूज़ करना है, अरे को लिंक लिस्ट, या तो अरे के साथ आपने जाना है या तो लिंक लिस्ट के साथ जाना है आपने, ठीक है। फॉर प्रोवाइडिंग एन एफिशिएंट सोल्यूशन फॉर द लाइब्रेरी सिस्टम यू आर नॉट अलाउड टू चूज़ एनी अदर डाटा स्ट्रक्चर एक्सेप्ट अरे और लिंक लिस्ट, यानी कि या तो अरे सेलेक्ट करना है आपने या तो लिंक लिस्ट, इसके अलावा कोई और डाटा स्ट्रक्चर सेलेक्ट नहीं करना, ठीक है। प्रोवाइड अ सॉलिड आंसर विद वैलिड जस्टिफिकेशन, सबसे पहले आपने जो है अरे या लिंक लिस्ट में से कोई एक सेलेक्ट करना है, उसके बाद उसकी जस्टिफिकेशन यानी कि रीज़न देनी है कि अरे अगर आपने किया है तो क्यों अरे की है, अगर आपने लिंक लिस्ट किया है तो फिर क्यों लिंक लिस्ट किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसका टॉपिक था, आगे इसके इंस्ट्रक्शन सारी लिखी हुई चीज़ें आपने पढ़ भी ली होंगी, ठीक है जी। अब हम चलते हैं इसके अपने सोल्यूशन पे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है सोल्यूशन है इसका, ये आप देख सकते हैं। फर्स्ट पे क्या लिखा हुआ है कि फॉर द गिवन रिक्वायरमेंट ऑफ द लाइब्रेरी सिस्टम, जो हमें रिक्वायरमेंट दी गई है लाइब्रेरी सिस्टम के लिए उसके मुताबिक जो है आई वुड चूज़ एन अरे डाटा स्ट्रक्चर, कि मैं क्या सिलेक्ट करूँगा अरे डाटा स्ट्रक्चर, यहाँ तक बात होगी। पहले आपने इसी तरह लिखना है कि फॉर द गिवन रिक्वायरमेंट ऑफ द लाइब्रेरी सिस्टम, ठीक है, कि आप क्या चूज़ करेंगे वो आपने अपना बताना है, अरे वाला करना है तो अरे, लिंक्ड वाला करना है तो फिर लिंक्ड, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अरे वाले के साथ हम जा रहे हैं, तो आगे उसकी क्या लिखनी है, आपने रीज़न लिखनी है। पहली लाइन में आपने ये लिख दिया अरे या लिंक लिस्ट, उसके बाद आपने क्या लिखना है उसकी रीज़न। तो रीज़न क्या लिखी हुई है कि अरेज़ प्रोवाइड कॉन्स्टेंट टाइम एक्सेस टू एलिमेंट्स विच वुड मेक फाइंडिंग अ पार्टिकुलर बुक एफिशिएंट, बहुत एफिशिएंटली जो है बुक को क्या कहता है सर्च करके देता है, कौन वाला अरे डाटा स्ट्रक्चर। अ क्रूशियल रिक्वायरमेंट फॉर फ्रीक्वेंट सर्चेज एडिशनली सिंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स इज लिमिटेड टू 10,000 एंड डिलीशन आर रेयर, और डिलीशन जो है वो नहीं होगी और जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 10,000 बुक्स वहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है।
नेक्स्ट क्या, द फिक्स्ड साइज नेचर ऑफ अरेज वुड सूट दी सिनेरियो वेल, इंश्योरिंग एफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट एंड फास्टर एक्सेस टाइम कंपेयर टू लिंक्ड लिस्ट। यानी कि लिंक्ड लिस्ट के से अगर कंपेयर किया जाए तो अरे डेटा स्ट्रक्चर के जो है वो एफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट है और फास्ट एक्सेस टाइम है, ठीक है। तो इसलिए हमने जो है इसका अरे डेटा स्ट्रक्चर जो है इसका सिलेक्ट किया है। तो ये जो है इसका CS301 का जो है GDB का सोल्यूशन था। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी शेयर कर दूँ। आपने पहली लाइन में लिख देना है अरे या लिंक लिस्ट, उसके बाद आपने उसकी रीज़न देनी है और बस ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाजमी कमेंट करके आपने मुझे लाजमी बताना है कि वीडियो कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाजमी लाइक भी कर दें, चैनल पर अगर आप नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।